हिंदी सेकंड में, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अपना चैप्टर नंबर 5 है लिंग। क्या नाम है चैप्टर का? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चैप्टर का नाम है लिंग, स्त्री और पुरुष। स्त्री किसको बोलते हैं? लड़की को, गर्ल को, लड़की को, या फिर स्त्रीलिंग, जिसका रीड का अपने को पता चले कि ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसमें लड़की के अलावा और जो शब्द होते हैं ना, जैसे शेरनी, बकरी, है ना, आगे और आएंगे चैप्टर में आपको बताएंगे, वो सब आते हैं। पुरुष में होता है पुरुष जाति के लोग और हाँ जी ओके। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सभी प्राणी, सभी प्राणी यानी सारे जीव, जिसमें एनिमल भी आ गए हर तरह के, ठीक है, और इंसान भी आ गए। सभी प्राणी तथा वस्तुएं स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की होती हैं। आई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. सभी प्राणियों की स्त्री या पुरुष जाति में से एक जाति जरूर होती है, ठीक है। जैसे आगे देखिए, यस बेटे, नमस्कार नमस्कार एवरीवन, नमस्कार। चैप्टर नंबर 5 है अपना हिंदी व्याकरण में, लिंग रूप वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि हर प्राणी की कोई ना कोई जाति जरूर होती है, प्राणी की, वस्तु की, या फिर व्यक्ति की जाति होती है, या तो पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर अध्यापक लिखा है इसका मतलब होता है जेंट्स टीचर, सर होते हैं ना सर, स्कूल में सर और मैडम दोनों होते हैं, सर को बोलते हैं अध्यापक और मैडम को क्या बोलते हैं? अध्यापिका, 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 यस। तो अध्यापक, अध्यापिका, दुल्हा, दुल्हन, दुल्हन नहीं होता, दुल्हन, ओके, दुल्हन, दुल्हा, दुल्हन। इसके बाद राजा, रानी, मोर, मोरनी, मोरनी, भाई, बहन, बहन, बैल, गाय, गाय, दादा, दादी, 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 और मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, शेर, शेरनी, शेरनी, पिताजी, माताजी, माताजी। यहाँ तक क्लियर हो गया, आराम से हमें पता चल रहा है कि कौन से पुरुष जाति में आते हैं, कौन से स्त्री जाति में आते हैं, ये हमें रीड करके पता चल रहा है, ओके। आगे हम देखते हैं, अब आगे लिंग की परिभाषा। बेटा शब्द पढ़ के, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, दादा, दादी, मामा, मामी, इस तरह से जो शब्द है उसको देखकर, उसको रीड करके आपको पता चल जाता है कि वो स्त्री जाति का या पुरुष जाति का, पता चल जाता है ना? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो देखो, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले या बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ये लिंग की डेफिनेशन है कि शब्द के जिस रूप से वो किस तरह से लिखा है, ठीक है, उस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. ये लिंग की परिभाषा हो गई। तीसरी बार, फोर्थ टाइम या थर्ड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, ओके। अब है लिंग के भेद। क्या है आगे वाला टॉपिक? लिंग के भेद। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कुमोद? दो भेद, दो भेद को, दो भेद, दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, दूसरा क्या? पुल्लिंग, यस, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द देखो, जैसे लिंग की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तो आप पुल्लिंग की भी निकाल लोगे, ठीक है। आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। Am I right? Yes, ma'am. देखो, सबसे पहले अपने लिंग की परिभाषा की थी। लिंग में तो ये होता है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है, उसे
लिंग कहते हैं। और जब बात पुलिंग की आई तो वैंगे शब्द के जिस जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, जिन शब्दों को पढ़ के लग गया कि पुरुष जाति के हैं, पापा, राजा, मोर, ठीक है, बकरा, कुछ भी ऐसे शब्दों, मुर्गा, तो ऐसे शब्द हैं जिनको पढ़ के लग रहा है कि पुरुष जाति के हैं। शब्दों का जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर आ गया समझ में? यस मैम। ओके। चाचा, मामा, दादा, राजा, कुत्ता, घोड़ा, आदमी, ये सारे के सारे पुरुष पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है ना? यस मैम। ओके ओके। इसके बाद है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध हो, जिन शब्दों से उसका क्या हो, स्त्री होने का बोध हो, ठीक है, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय, मैं बोल सकती हूँ मुर्गी, मोरनी, शेरनी, ये सब भी इसमें आते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जिनसे स्त्री के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको देखो, इसके बाद आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की टेबल दी गई है जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। पुत्र का क्या स्त्रीलिंग होगा? पुत्री। पुत्री। लड़का? लड़की। नर? नारी। नारी। पिता? माता। पुरुष? स्त्री। यस, पुरुष का हो गया स्त्री। एंड दादा? दादी। नाना? नानी। कवि का होगा कवियत्री, क्या बोलेंगे? कवियत्री। अध्यापक? अध्यापिका। अध्यापिका। शेर? शेरनी। घोड़ा? घोड़ी। घोड़ी। बैल? गाय। बकरा? बकरी। कुत्ता? कुत्ती। कुत्ते नहीं होता बेटा, कुत्ता का होता है कुतिया। ओके, चलो इधर वाले पे आते हैं। शेठ, जेठ, जेठानी, जेठानी। ससुर, ससुर का होता है सास। नौकर, नौकरानी, नौकरानी। राजा, रानी, रानी। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी। मोर, मोरनी। दुल्हा, दुल्हा। छात्र, छात्रा, छात्रा। छात्र होते हैं बॉयज स्टूडेंट और छात्रा होती है गर्ल्स स्टूडेंट। नायक, नायक, नायिका, नायिका। यस, दास, दास, मालिक, मालिक, मालिक। बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमती। ऊंट का बोलो ऊंटनी। एंड डिब्बा, डिबिया, डिबिया। और आपको टेबल दे रखी है। पुत्र, पुत्री, पुत्री। माली, माली, मालिन। धोबी, धोबीन, धोबीन। लेखक, लेखिका, लेखिका। मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, पंडित। पंडित का होगा पंडिताइन। चाचा, चाचा का बोलो। बिलाव, बिल्ली, बिल्ली। गायक, गायिका, गायिका। चूहा, चूहिया, चूहिया। मैम, हमारे घर में चूहिया ही घूमती रहती है जब तक खजा। ओहो, बचाओ भाई उससे। जेठ, ये तो हो गया अपना जेठ वाला। तो
चलिए अच्छा, जेठ का जेठानी हो गया, पति पत्नी, हाथी हथिनी, बुढ़ा बुढ़िया, भाई बहन, मौसा मौसी, बालक बालिकी, बालिकी नहीं बालिका, बालकी, ये बालकी क्या होता है भाई, बालक का होगा बालिका, तोता मैना, बेटा बेटी, बंदर बंदरिया, बंदरिया। ओके बेटा, इसके बाद आपको ये चीज स्पेशल ध्यान रखनी है कि व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर और नारी में, नर और मादा में रखा जाता है। इस प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बोलते हैं। अच्छा, देश प्रदेश, जितने भी देश के नाम है, जितने भी प्रदेशों के नाम है, महीनों के नाम है, जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो दिन होते हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति, वो पर्वतों के नाम है, ग्रह होते हैं अपने उनके नाम है, इन सबको हमेशा पुल्लिंग में ही माना जाता है। किसमें माना जाता है? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में सोमवार मंगलवार किसमें है? पुल्लिंग है। किसी महीने का नाम दे दिया तो भी पुल्लिंग है। अब है भाषा, ऋतु और बोलियां। जो हम भाषा बोलते हैं, जो ऋतु आ रही है, बरसात ऋतु, गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, वो बोलियां जो है सबकी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, सबकी अलग अलग भाषा होती है वो बोलियां। नदियों के नाम, गंगा जमुना सरस्वती, वो सब, और नहरों के नाम भी बहुत सारे होते हैं। इन सब के नाम सदा हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग। यस, वो स्त्रीलिंग में रहते हैं हमेशा। एक सेकेंड। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो? नो मैम, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष का बोध कराने वाले लोग, कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। छात्र का कौन सा लिंग है बताओ? छात्र। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? छात्र। पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग इज राइट। ठीक है, लिंग के भेद हो गए, डेफिनेशन हो गई। ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। माता का क्या होगा? यस बेटा बोलो। मैम आप व्याकरणी क्यों पढ़ाती हो? कभी मंथन की, बहुत दिन हो गए मंथन ही नहीं पढ़ाया आपने। यस बेटे, पढ़ाएंगे। मंथन के जो चैप्टर थे वो अपने यहाँ हो गए थे। ओके ओके मैम।